छात्रों नमस्कार। पूर्व की बात आज हम पुनः एक बार आपके मध्य उपस्थित हैं। यह जो आज का शिक्षण कार्य है वह क्लास 6 से लेकर 8 तक के जो विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों के लिए व्याकरण से संबंधित है। प्रिय छात्रों, आज हम व्याकरण के जिस अध्याय को पढ़ेंगे, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे, उसके बारे में थोड़ा परिचय आपको बता दें। अगर हमें किसी भाषा को सीखना है, या यूं कहिए कि किसी भी भाषा का संप्रेषण, किसी भी भाषा को बोलना या लिखना सही सही सीखना है, विशेषकर चाहे वह हिंदी भाषा हो, संस्कृत भाषा हो या इंग्लिश लैंग्वेज हो, वहां पर हमें व्याकरण या ग्रामर की नितांत आवश्यकता होती है। तो इसी क्रम में, जैसा हम पहले आपको पढ़ाते रहे हैं उसी क्रम में, आज हम आपको जिस अध्याय के बारे में बताने जा रहे हैं उसका शीर्षक है विशेषण। आज हम आपको विशेषण के बारे में पढ़ाएंगे और समझाएंगे। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आएगा। प्रिय छात्रों, हम आपको बीच में यह भी बता दें कि जब हम आपको पढ़ा रहे होते हैं तो आप जो स्लाइड आपके सामने चल रही है या जो श्यामपट कार्य आपके समक्ष हो रहा है उसको अपनी कॉपी में नोट करते चलिए, लिखते चलिए। इससे दो बातें होंगी, एक तो आपका अभ्यास कार्य भी सुदृढ़ होगा, दूसरा विषय के प्रति जागरूकता आपकी बढ़ेगी, लेखन कौशल का विकास होगा। साथ ही जो लिख करके बातें याद की जाती हैं, लिख करके जो चीज़ें याद की जाती हैं, जो हम पढ़ते हैं, वह मस्तिष्क पर स्थायी रूप से अंकित होते हैं। तो चलिए, आज हम आपको जिस अध्याय को पढ़ाने जा रहे हैं उसका शीर्षक हम दे रहे हैं विशेषण। तो चलिए, आप जो है विशेषण के बारे में हम आप जानेंगे और समझेंगे। चलिए, आज हम विशेषण का अध्ययन करते हैं। जहाँ कहीं आपको कोई डाउट होगा, कोई संदेह होगा, तो कृपया आप हमसे पूछ सकते हैं। विशेषण परिभाषा सहित इसके भेदों को भी हम जानेंगे और अन्य चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। आज हम पढ़ेंगे विशेषण, जो कि व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, जिसे आप इंग्लिश में एडजेक्टिव के नाम से भी जानते हैं। चलिए देखते हैं इसके कौन से भाग होते हैं। पहला भाग है जिसे कहते हैं गुणवाचक विशेषण। क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। दूसरा क्या है? दूसरे को कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। तीसरे को क्या कहते हैं? तीसरे को कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। और चौथे को क्या कहते हैं? चौथे को कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो यहां तक विशेषण के हमने भेदों बताया, विशेषण के बारे में पढ़ना है। तो यहां हम पढ़ेंगे अध्याय में विशेषण की परिभाषा क्या होती है। विशेषण की परिभाषा जानने के साथ साथ हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, यह जानेंगे। साथ ही क्या जो विशेषण के भेद हैं इनके क्या उपभेद भी हैं, यह यही है। आगे हम इसके भी बारे में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं विशेषण क्या होता है। परिभाषा नोट करेंगे सभी लोग, इसकी परिभाषा क्या होती है। परिभाषा है जो शब्द संज्ञा या
सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं, विशेषता को बताते हैं। उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है, परिभाषा क्या हो गई? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की, ध्यान रखना, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अब जब हम बात करते हैं विशेषण की, इसका मतलब क्या है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएंगे, यानी उसकी कुछ विशेषताएं होंगी जिनके बारे में बता रहे होंगे। तो देखते हैं इसके आधार पर इसके भेद क्या होते हैं। तो परिभाषा आपको याद करना है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। आगे चलते हैं, अगला है विशेषण के भेद। पहला है विशेषण के भेद में, पहला लिखेंगे विशेषण के भेद। तो प्यारे बच्चों, किसी भी वस्तु की विशेषता या किसी भी चीज की विशेषता चार आधारों पर बताई जाती है, और उन्हीं चार आधारों के आधार पर ही, उन्हीं चार आधारों पर ही विशेषण के भेद निर्धारित किए गए हैं। पहला क्या होता है? कोई भी वस्तु होती है, उसके कुछ विशेष गुण होते हैं, तो गुणों के आधार पर विशेषता होती है, तो उसे कहा गया गुणवाचक विशेषण। तो पहला विशेषण भेद किया गया गुणवाचक विशेषण, यानी किसी वस्तु के गुण के आधार पर जो उसकी विशेषता हो उसे कहते हैं गुणवाचक विशेषण। परिभाषा क्या होती है जरा देखें, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जो शब्द किसी वस्तु की विशेषता को बताते हैं उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरह से लिखना ज़्यादा सही होगा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं उन्हें उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। अब जरा हम देखते हैं इसके बारे में, एक उदाहरण देखिए, राम अच्छा लड़का है। अब इस उदाहरण में देखिएगा, लड़का शब्द ये क्या है? संज्ञा। अच्छा क्या है? विशेषण। क्यों विशेषण होगा? क्योंकि यहां देखिए ध्यान से, हमने परिभाषा के लिखा था जो शब्द संज्ञा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम
विशेषता को बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। यहाँ उदाहरण देखो, लड़का क्या है? संज्ञा है। लड़के की विशेषता कौन सा बता रहा है? अच्छा। कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। तो अच्छा शब्द क्या होगा? विशेषण। क्यों? क्योंकि वह संज्ञा की विशेषता को बता रहा है। हमने परिभाषा में लिखा है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। यहाँ अच्छा शब्द क्या है? लड़के की विशेषता को बता रहा है, तो यह गुण के आधार पर है, इसलिए गुणवाचक विशेषण है। अब कैसे हम जानेंगे कि विशेषण कि नहीं, उसके लिए क्या करते हैं? इसका इन प्रश्नों का उत्तर मिले तो जानते कैसे, कैसा या कहाँ, कितना। कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। कैसा का उत्तर मिला? अच्छा लड़का, यानी कि गुणवाचक विशेषण। अच्छा क्या है? गुणों को बताता है। तो ये क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण। कुछ और उदाहरणों पर हम चलते हैं और जरा उसको सीखते हैं, देखते हैं। गुणवाचक विशेषण के बाद देखते हैं। अब गुणवाचक विशेषण में क्या क्या आता है जरा ये देखें। गुणवाचक विशेषण क्या है? जब कोई शब्द किसी वस्तु की विशेषता किनके आधार बताए, रूप रंग अवस्था दशा इत्यादि। तो जब कोई शब्द रूप रंग अवस्था दशा इत्यादि के आधार पर किसी वस्तु की विशेषता बताता है तो गुणवाचक विशेषण है। रूप के आधार पर कैसे? जैसे हम कहें वह गोरा लड़का है, ठीक है, हमने लिखा वह गोरा लड़का है, ठीक है। मान लो हमने लिखा क्या, वह गोरा लड़का है, ठीक है, वह गोरा लड़का है। गोरा क्या है? रंग के आधार पर या रूप के आधार पर? इसी प्रकार हम कहें मेरे पास नीले रंग की कलम है। नीले रंग की मतलब रंग के आधार पर विशेषता हुई, ठीक है, तो रंग के आधार पर विशेषता हुई, इसलिए क्या हो जाएगा, ये गुणवाचक विशेषण। ये हो जाएगा रंग के आधार पर। इसी प्रकार अवस्था के आधार पर बूढ़ा लड़का है, वह एक बूढ़ा व्यक्ति है, इस तरह से अवस्था के आधार पर। अब चूंकि जब इससे बात चली रही है कुछ और चीजों को जाने, एक शब्द होता है विशेषण, एक शब्द होता है विशेष्य। कोई आपसे पूछे कि विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है, तो जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे हम कहते हैं विशेष के, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है
जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें हम कहते हैं विशेष। विशेषण क्या होता है? अब इन्हीं विशेष शब्दों की जो विशेषता बताई जाती है, जो विशेषता बताई जाती है उससे हम क्या कहते हैं? विशेषण। कैसे? जरा हम उदाहरण देखते हैं, आखिर हम इससे स्पष्ट करेंगे कि विशेष विशेषण क्या है। एक उदाहरण लेंगे और उस उदाहरण से हम आगे चलेंगे, फिर समझेंगे हम आप उस उदाहरण से आगे समझेंगे कि कैसे हम जानेंगे कि कौन सा विशेष है और कौन सा विशेषण है। चलिए आगे चलते हैं। उदाहरण है, उदाहरण है राम अच्छा लड़का, राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है। अब लड़का क्या है? विशेष है। क्यों? जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं विशेष। जो विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं विशेषण। ठीक है, तो लड़का क्या है? विशेष है। क्यों? इसकी विशेषता बताई जा रही है। क्या विशेषता बताई गई? अच्छा लड़का है। एक जो विशेषण, तो जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं विशेष, और जो विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं विशेषण। यहाँ आपसे कोई यह पूछ सकता है कि क्या प्रविशेषण भी होता है? क्या प्रविशेषण भी होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है। जो शब्द विशेषण के पहले जुड़ करके विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं प्रविशेषण। जैसे अब यहीं हम लिख दें अच्छे क्या अच्छा के आगे राम बहुत अच्छा लड़का है, यहाँ जोड़ा हमने, यह हो जाएगा प्रविशेषण। क्यों? क्योंकि विशेषण की भी विशेषता बताता है, उसे प्रविशेषण कहते हैं। तो इस अनुसार प्रविशेषण की परिभाषा होगी, जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें हम प्रविशेषण के नाम से जानते हैं। समझ गए? जो शब्द विशेषण की भी विशेषता को बताते हैं उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। तो हमने आपको अभी तक बताया विशेषण किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं ऐसे शब्दों को विशेषण कहते हैं। हमने आपको बताया विशेषण के कितने भेद होते हैं, आपने देखा उसको चार भेद होते हैं, कौन कौन से? पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक, तीसरा है परिमाणवाचक और चौथा है सर्वनामिक विशेषण। हमने आपको गुणवाचक विशेषण की परिभाषा बताई, साथ ही उसके उदाहरण बताए। हमने उस उदाहरण के साथ साथ आपको विशेष और विशेषण कैसे आप जानेंगे कि कौन सा विशेष है कौन सा विशेषण है वह आप कैसे जानेंगे यह तरीका बताया। साथ ही आपको हमने यह बताया कि वाक्य में कैसे आप पहचानेंगे कि कौन सा विशेष है कौन सा विशेषण है। इतना तक हमको लगता है कि आपका डाउट कुछ नहीं होगा और कुछ अभ्यास करते हैं। जरा विशेष और विशेषण आप पहचानिए। जैसे हम आपको कुछ शब्द दे रहे हैं और आपको इन शब्दों में विशेष और विशेषण, विशेष और विशेषण आप घर पर भी इसे लेकर अभ्यास करिएगा, क्योंकि ये डिजिटल ब्लैक बोर्ड है तो हो सकता है कि लिखने में शब्द इधर उधर हो रहे हों, लेकिन आशा है कि आप इसको अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। जैसे हमने लिखा काला घोड़ा,
ठीक है, काला घोड़ा लिख दिया हमने, सफेद बाल, बड़ा बड़ा हाथी या विशाल हाथी भी कह सकते इसी जगह पर। अब चलिए जरा हम आपसे पूछते हैं कि इसमें विशेषण क्या होगा और विशेष्य क्या होगा। चलिए बताइए, घोड़ा की विशेषता क्या है, किस रंग का है? काला रंग का। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी विशेषता बताई जा रही है घोड़े की, क्या विशेषता बताई, काला। ये क्या हो जाएगा, विशेषण। क्या हो जाएगा, विशेषण। और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हमने क्या बताया था, विशेष्य। क्या हो जाएगा, विशेष। इसी प्रकार हमने दूसरा लिखा सफेद बाल, बाल कैसे हैं, सफेद हैं। इन बालों की विशेषता क्या है, सफेद रंग के हैं। तो यह अब विशेषण क्या होगा, विशेष क्या होगा, जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है। अब अगर आपसे पूछे इसमें विशेषण क्या होगा और विशेष क्या होगा, तो जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें कहते हैं विशेष, और जो विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं विशेषण। तो अब इसमें विशेष से क्या होगा, किसकी विशेषता बताई जा रही है, किसकी विशेषता बताई जा रही है, बताओ दीपांजलि, बाल की। बाल की। और क्या विशेषता बताई गई, ऐसे सफेद है, सफेद है। इसका मतलब सफेद किसकी विशेषता बता रहा है, बाल की। तो जो विशेषता बताए वो क्या हो जाएगा, विशेषण। क्या हो जाएगा, विशेषण, विशेषण। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण बताओ दीपांजलि, लिखा बड़ा हाथी, बड़ा इसमें इसका विशेषण होगा, हाथी, हाथी इसका विशेष होगा, राइट। यहाँ पर हाथी हो जाएगी विशेष, क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही है, और जो विशेषता बताई जाएगी हो जाएगा विशेषण। यहाँ हमने पढ़ा विशेष्य और विशेषण। आशा है कि आपको यह बात समझ में आई होगी, यहाँ तक आपने समझा होगा। चलिए अब हम अगले विशेषण की भेद की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है संख्यावाचक विशेषण। चलिए पढ़ते हैं संख्यावाचक विशेषण। अब आप सोचे विशेषता संख्या के आधार पर कैसे होती है, बिल्कुल होती है। किसी के पास पैसा नहीं है उसके लिए कोई विशेषता नहीं, लेकिन किसी के पास 10 रुपये 15 रुपये हो निश्चित रूप से उसके लिए संख्या विशेष हो जाती है, रुपए के महत्व के आधार पर। इसीलिए संख्यावाचक विशेषण की भी का भी हम अध्ययन करेंगे। जरा परिभाषा जान लें, संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, जो शब्द संख्या के आधार पर, ध्यान रखना इसके आधार पर, संख्या के आधार पर जो शब्द संख्या के आधार पर संज्ञा या सर्वनाम या किसी की भी संज्ञा या सर्वनाम या किसी वस्तु भी कह सकते हैं, संज्ञा सर्वनाम या किसी वस्तु की विशेषता को बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जरा एक उदाहरण देखिए, उदाहरण है मेरे पास 3 कलम है।
हमने लिखा मेरे पास तीन कलम है। अब यहाँ तीन देखना, तीन क्या है, संख्या कि नहीं है बताओ? अगर हम 1, 2, 3, 4 लिखे, तीन संख्या नहीं है, संख्या है, तो हमारे पास संख्या में कितनी कलम है? तीन। तो तीन शब्द जो है कलम की विशेषता संख्या के आधार पर बता रहा है, इसलिए क्या होगा, संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, अब आपके सामने एक प्रश्न और बन सकता है, क्या संख्या निश्चित हो सकती है या अनिश्चित हो सकती है? एक उदाहरण देखिए, मान लो इसी हम देखते हैं, मेरे पास तीन कलम है, अगर हम तीन की जगह पर लिख दें कई कलम है, इसका मतलब क्या है? अब यह संख्या हम कह सकते हैं क्या, बताओ यह संख्या निश्चित है कि अनिश्चित है? कई अनिश्चित है, तीन क्या है, निश्चित है। इसका मतलब कि संख्यावाचक विशेषण के भी हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग भेद कर सकते हैं। अब हम संख्यावाचक विशेषण के भी अलग भेद कर सकते हैं, संख्यावाचक विशेषण के दो भेद हो सकते हैं, कौन कौन से बताइए? इसके आधार पर एक तो होगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण, क्या होगा निश्चित संख्यावाचक, जैसे एक पेन, दो पेन, तीन पेन, इस तरह से। और दूसरा क्या होगा, अनिश्चित संख्यावाचक, इसका उदाहरण कैसे जानेंगे, हमारे पास कई कलम है तो अनिश्चित संख्यावाचक हो गया। तो एक चीज हमको पता चला कि संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं, दो भेद, एक है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, अब हम अलग उदाहरण देखते हैं, निश्चित संख्यावाचक क्या है, जब किसी शब्द से किसी वस्तु की निश्चित संख्या का पता चलता हो तो उसे कहते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण। उदाहरण देखिए, मेरे पास या राम के पास 100 गुब्बारे हैं, ये थोड़ा स्पेलिंग सही देख लेना गुब्बारे, चूंकि लिखा नहीं रहा, डिजिटल बोर्ड है। मेरे पास 100 गुब्बारे हैं, तो 100 क्या है, निश्चित संख्यावाचक। लेकिन अगर हम यही कहें मेरे पास कई गुब्बारे हैं, जैसे ही हम 100 की जगह पर कई लिखेंगे, ये तुरंत क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक, राइट। तो हमको लगता है कि अब आपको यहाँ तक गुणवाचक विशेषण के साथ साथ संख्यावाचक विशेषण भी आ गया होगा। हमने आपको संख्यावाचक में क्या क्या बताया, पहला यह बताया कि संख्यावाचक परिभाषा क्या होती है, फिर बताया संख्यावाचक के दो भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक क्या होता है, जब किसी शब्द से किसी वस्तु की निश्चित संख्या का पता चलता है, जैसे मेरे पास 100 गुब्बारे हैं। अनिश्चित संख्यावाचक क्या है, जब किसी शब्द से किसी वस्तु की अनिश्चित संख्या का पता चलता है, उसे कहते हैं अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे मेरे पास कई गुब्बारे हैं, कई आ गया तो अनिश्चित संख्यावाचक, या कुछ होता तो भी अनिश्चित संख्यावाचक। तो हमने आपको निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक के बारे में बताया। यहाँ तक हमको लगता है कि सबको समझ में आ गया होगा, आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद आता है परिमाणवाचक विशेषण, चलिए देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। चलिए परिमाणवाचक विशेषण पर देखते हैं। अगला है परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण क्या है, परिमाणवाचक विशेषण परिभाषा है जिन शब्दों से किसी वस्तु के मापने, ध्यान देना यहाँ पर क्या हमने लिखा, मापने, तौलने, निवेट करने की इकाइयां, मापने,
तौलने की इकाई का पता चलता हो या मापने या तौलने का पता चलता हो तो भी चलेगा, मापने या तौलने का पता चलता हो यह चलता है, उसे क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। क्या कहेंगे उसे, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जरा उदाहरण देखिएगा, मेरे पास 4 मीटर कपड़ा है, कितना कितना कपड़ा है, 4 मीटर, ठीक है, 4 मीटर कपड़ा, ध्यान देना ये क्या है, हम कह रहे हैं परिमाणवाचक है। आप कहेंगे सर 4 मीटर तो निश्चित संख्यावाचक होगा, ये तो संख्या भी 4 है। यहीं पर आप गलती करते हैं, जब काउंटेबल नॉन काउंटेबल रहेगा तो संख्या में आएगा, लेकिन जब वह मापने और तौलने की इकाइयां में होगा, यह हम क्या मीटर क्या है, मापने की इकाई है, हमने परिभाषा में क्या लिखा है, मापने या तौलने की इकाइयां, क्योंकि मापने का है तो यह परिमाणवाचक में आएगा, परिमाणवाचक में कौन सा, निश्चित परिमाणवाचक। इसी प्रकार हमने देखा कि जैसे हमने संख्यावाचक के 2 भेद किए थे, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक, उसी प्रकार परिमाणवाचक विशेषण के भी हम 2 भेद करते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। तो हमने निश्चित परिमाणवाचक को आपको बताया, इसी तरह का उदाहरण हम अनिश्चित परिमाणवाचक के रूप में देखते हैं। चलिए जरा देखते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक क्या है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, उदाहरण देखें और आपको स्पष्ट हो जाएगा। उदाहरण है, समन्वय के पास 1 किलो सेब है, ठीक है, कई किलो मतलब किलो, ये तो पता है कि तौले की इकाई है, इसका मतलब परिमाणवाचक है, लेकिन कई मतलब पता नहीं है कितना, इसलिए अनिश्चित हो गया। ये क्या हो गया, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और अब हम अंतिम विशेषण की तरफ आ गए हैं, जिसे कहते हैं सार्वनामिक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। आपने सार्वनाम पढ़ा है तो उसको विशेषण के रूप में कैसे प्रयोग करते हैं वह इसी का अध्ययन है, ध्यान देना। जब कोई सर्वनाम, क्या चीज, जब कोई सर्वनाम संज्ञा के पहले जुड़कर या लगकर या आकर जुड़कर उसकी विशेषता को बताता है, उसे हम क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण। क्या कहेंगे, सार्वनामिक विशेषण। एक उदाहरण देके स्पष्ट करते हैं, उदाहरण है वे घर के बाहर घूम रहे हैं, या हम कहें यह किताब मोहन की है, यहाँ मोहन और अगला लिख दिया गया है, मोहन की है,
ठीक है, यह किताब मोहन की है, तो वे सर्वनाम है। घर क्या है? संज्ञा। तो जो सब जो वे सर्वनाम जो संज्ञा के पहले आके उसी विशेषता को बताते हैं, किसी घर के कौन घर के बाहर घूम रहे हैं वे, तो उसे कहते हैं सर्वनामिक विशेषण। तो ये हमने कुछ उदाहरणों के माध्यम से आपको विशेषण के बारे में बताने का प्रयास किया, उसके भेदों को बताया, और आशा है कि आप इसको समझे होंगे, इसको जाने होंगे। तो हमने आपको विशेषण के भेदों के बारे में बताया, साथ ही विशेषण के बारे में बताया और विशेषण से संबंधित जानकारियों को आपको बताया। तो ये सब सारी चीज़ें थी जो हमने आपको बताया, आपके मध्य साझा किया। तो आशा है कि आपको बहुत सारी चीज़ें जो होंगी इस अध्याय से संबंधित, जो डाउट होंगे वह आपको समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में जब हम पुनः आपके साथ मिलेंगे तो कुछ नया लेकर आएंगे, साथ ही अभ्यास करेंगे इसी का। और आप इस अध्याय इसको इस वीडियो लेक्चर को सुनने के बाद आप घर पर स्वयं अभ्यास करिएगा और देखिएगा कि आपको कहाँ को दिक्कतें आ रही हैं, और अगले क्लास में हम इन्हीं समस्याओं का निराकरण करेंगे। आशा है आपको यह पठन पाठन कार्य जो आज हुआ है व्याकरण से संबंधित आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।